तो गाइस गर्मी की सीजन है, ऊपर से मोबाइल और गर्म हो रहा है एंड लैग इशू तो चलता रहता है मेरी मोबाइल के अंदर। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है गाइस, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर के साथ सेम इशू हो रही है। और उसके बाद मेरे को मिल गई गाइस नॉक्स क्लीनर एंड बूस्टर एंड ऑप्टिमाइजर एप्लीकेशन गाइस, ठीक है। और इस एप्लीकेशन में बेसिकली होता क्या है गाइस कि इसमें जब भी मैंने क्लीन किया और उसके बाद मैंने चेक करके देखा, मेरी फोन के अंदर 1.3 GB का यूजलेस डाटा भर के पड़ी थी गाइस, जो मेरे को पता ही नहीं था। और ये डाटा मेरे फोन को और भी स्लो से स्लो कर रहा था, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लीन किया, मेरी मोबाइल जो है ना रॉकेट की तरह शुरू हो गई चलना एंड सारे गाइस लैग इशू सॉल्व हो गए, ठीक है। ऊपर से गाइस क्या बताऊं, इसके अंदर और एक फीचर्स मिल जाता है जो है एंटीवायरस फीचर्स। तो इससे क्या होता है गाइस, अपनी मोबाइल जो है ना पूरी तरीके से सिक्योर हो जाती है एंड वायरस अटैक्स भी नहीं होते। और गाइस इसमें मेरे को और एक ऑप्शन मिला जो भाई सबसे बेस्ट लगी मेरे को, वो होती है गाइस सीपीयू कूलिंग फीचर्स। तो गाइस फ्री फायर खेलते खेलते मोबाइल हो जाती है बहुत गर्म, कब ब्लास्ट कर जाए कुछ पता नहीं है गाइस। तो गाइस इस अपने ऑप्शन से क्या होता है, अपनी मोबाइल जो है ना पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। जितना ठंडा रहेगा मोबाइल उतना अच्छा चलेगी हमारी गेम, ठीक है, उतना अच्छा गेम चलेगी। और गाइस ये सबसे बड़ी बात है, पूरी तरीके से फ्री है गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड कर लो। और बेसिकली मैं किसी ऐप को गाइस जो है रेट नहीं करता, तो गाइस इतना अच्छा ऐप वो भी फ्री में मिल रहा है, तो इसी गाइस से भाई 5 स्टार तो बनती है गाइस मेरी तरफ से। तो गाइस फटाक से डाउनलोड कर लो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MP40 का ऑटो हेडशॉट बग के बारे में। गाइस सही सुना गाइस आप लोगों ने, इस वीडियो में हम लोग बताएंगे MP40 के ऑटो हेडशॉट बग के बारे में। अगर गाइस आपके MP40 के ऑटो हेडशॉट बग सीखनी है तो गाइस पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। तो गाइस इसे बोलते जो है ऑटो हेडशॉट MP40 का, ठीक है। तो गाइस अगर आप MP40 के ऑटो हेडशॉट को यूज़ करना चाहते हो तो गाइस पूरा वीडियो देखो, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ सेटिंग बताऊंगा, उसे अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो गाइस आप चाहो तो सबको हेडशॉट मार सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ गाइस कि MP40 का ऑटो हेडशॉट बोलते किसे है। पहले तो गाइस देख लो थोड़ी टाइम कि MP40 का ऑटो हेडशॉट होता क्या है। तो गाइस प्रो बंदे हेडशॉट मारते हैं MP40 के इस तरीके से, जो है MP40 से हेडशॉट मारते। तो गाइस अगर आपको इसी तरीके से हेडशॉट मारनी है और आपको भी प्रो बनना है तो गाइस आपको बेसिकली गाइस मैं जो सेटिंग बताऊंगा उसे अप्लाई करनी होगी एंड उसके बाद गाइस जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो गाइस उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो लोग गाइस पूछेंगे क्या GSK भाई इससे यूज़ करने पे क्या अकाउंट सस्पेंड होगा, गाइस नहीं भाई आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। अगर आप इस बग की यूज़ करते हो तो आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। और गाइस इससे पहले जो उठ के बैठ के जूम इन जूम आउट करके जो हेडशॉट मारते थे, तो गाइस बहुत सारे बंदे को पता नहीं, उस वीडियो को मैंने अपलोड की थी जिसमें 1.6 मिलियन व्यूज़ है और इंडिया पे सबसे ज़्यादा बंदे आई थिंक मेरी वीडियो देख के सीखे हैं कि उठ के बैठ के जूम इन जूम आउट करके किस तरीके हेडशॉट मारते हैं। और यहाँ पे गाइस सेटिंग को देख लो, जनरल को जो है आपको 100 कर लेनी है। अगर आपको MP40 से हेडशॉट मारनी है बग यूज़ करनी है तो आपको पहले तो सेटिंग में जनरल को जो है 100 कर लेनी है, ठीक है गाइस। जनरल को 100 कर लेनी है, आप सिंपली सुन लो जनरल को 100 कर लेनी है। अभी गाइस पूरी वीडियो को फॉलो करो और मैं जो ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा अगर उसे आप फॉलो करते हो तो गाइस आप सब बंदे को हेडशॉट मार सकते हो, हर बंदे को, जैसे कि गाइस ग्लोबल के बंदे मारते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं सोलो वर्सेस डुओ खेल रहा हूँ, सामने दो बंदे और देखो किस तरीके से हेडशॉट मारते हैं। सीधे खड़ा होकर सादा कूद जाओ, ठीक है, ऊपर अगर बंदा आप ऊपर हो तो थोड़ा हिलो। तो गाइस कुछ ट्रिक्स होती है जिस ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो हर बंदे को जो है आप हेडशॉट मार सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ उसे फॉलो करो, जस्ट एक बार समझ जाओगे ना तो गाइस आप समझ जाओगे हेडशॉट किस तरीके से मारते हैं। अगर सामने बंदा है, अगर गाइस सोच लो कि मतलब सामने बंदा मतलब समझ लो जैसे कि ये बंदा मेरा सामने है, तो गाइस इसको मारने के लिए जस्ट सीधे गोली मार के कूद जानी होगी, ठीक है। जो इसे मारने के लिए आपको सीधे गोली चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, समझो सोचो कि उसको वो बंदा सामने है, थोड़ा गोली चला के कूद जाना होगा आपको ऊपर की तरफ और हेडशॉट लग जाएगी। देखो सीधे गोली चला कूदो और यहाँ पे मैं मर गया भाई, जब मैं उसको मार दिया था तो गाइस उसको नॉक किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जनरल जो है ना वो 100 है, मतलब आपकी सेंसिटिविटी जनरल 100 है। अगर आप ज़मीन से ऊपर कूदते हो तो गाइस आपकी निशाना जो है ना सर पे चला जाता है MP40 का, तो गाइस बंदे को ऑटोमेटिकली हेडशॉट लगता है, ठीक है। आपकी सेंसिटिविटी 100 है, अगर आप ज़मीन के ऊपर जाते हो तो बंदे को ऑटोमेटिकली हेडशॉट लगता है। देखो देखो तो गाइस बंदे को जो है ऑटोमेटिकली हेडशॉट लगेगा। अगर आप ज़मीन के ऊपर कूदते हो गाइस
और आपकी सेंसिटिविटी 100 होता है तो बंदे को ऑटोमेटिकली हेयर स्टाइल लगेगा। अगर आप ऊपर की तरफ हो, जैसे कि मैं अभी ऊपर की तरफ हूँ गाइस, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गोली चलाना चाहते हो और हेडशॉट मारना चाहते हो, उसके लिए भी ट्रिक्स है गाइस। उसके लिए ट्रिक ये है कि आपको हिलते रहना पड़ेगा गाइस। अगर आप ऊपर से नीचे गोली चलाते हो तो आपको हिलते रहना पड़ेगा और हेडशॉट ऑटोमेटिकली लगेगी। देखो, हिलते रहना पड़ेगा आपको। अगर आप ऊपर से नीचे गोली चलाते हो आपको हिलते रहना पड़ेगा, तो आप नीचे की तरफ बंदे जो है उनको ऑटो हेडशॉट मार पाओगे। अगर बंदा इक्वल है, मतलब आपके सामने बंदा है, तो गाइस आपको गोली चला के कूद जानी है ऊपर की तरफ, ठीक है, जंप करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, आपको जैसे जंप करना पड़ेगा, अगर आपके सामने बंदा है, जंप करके ऑटोमेटिकली गोली चलाते चलाते जंप करना पड़ेगा, तो बंदे को हेडशॉट लग जाएगी, ठीक है। और अगर बंदा नीचे की तरफ है तो गाइस आपको हिलते हुए गोली चलाना पड़ेगा, ठीक है, हिलते हुए गोली चलाना पड़ेगा तो बंदे को हेडशॉट लगेगी। अगर आप नीचे हो, बंदा ऊपर है, तो गाइस आपको बैठ के गोली चलाना पड़ेगा, ठीक है, तो गाइस आपको हेडशॉट कम लगेगी, ठीक है। अगर आप नीचे हो, बंदा ऊपर है, तो आपको बैठ के गोली चलाना पड़ेगा। अगर आप ऊपर हो, बंदा नीचे है, तो आपको हिलते हुए गोली चलाना पड़ेगा। अगर बंदा सामने है और गाइस आप उसके सामने हो, तो गाइस गोली चला के ऊपर कूद जानी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस इस जो रूल से मैंने बताया, इसे फॉलो करो एंड जनरल सेंसिटिविटी जो है गाइस उसे 100 रखना ऑलवेज, ठीक है। MP40 के शॉट सीखने के लिए ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ दिन प्रैक्टिस करो एंड आप सीख जाओगे। आप वीडियो को एंजॉय करो। जिस जगह पे देखो गाइस सही सही होगा उस जगह पे हेडशॉट लगेगी, और जिस जगह पे सही नहीं होगा उस जगह पे हेडशॉट नहीं लगेगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना।